तो हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है यार। रेडमी नोट 5 प्रो के लिए MIUI 12 का लेटेस्ट बिल्ड आया, जो कि यार स्टेबल अपडेट है, कोई यू या बीटा अपडेट नहीं है। लेकिन मैं आपको पहले बता लेता हूँ गाइस, क्योंकि ये रोम है जो मतलब ऑफिशियल नहीं आई है फिलहाल, ठीक है। चाइना में ऑफिशियल रेडमी नोट 5 प्रो या रेडमी नोट 5 है उसके लिए आ चुके हैं, लेकिन इंडियंस मोबाइल्स के लिए फिलहाल इन्होंने रोल आउट नहीं किए। तो आपको मैं इसका थोड़ा वर्जन दिखा लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 12.5.6 जो कि स्टेबल अपडेट है, और ग्लोबल आप यहाँ पर देखें तो कोई बीटा वगैरह नहीं है। इसमें आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिलता है, और इसे आप सिक्योरिटी पैच की बात करो तो आपका देख सकते हो 6 महीने का लेटेस्ट इसमें आपको सिक्योरिटी पैच भी यार देखने को मिल जाता है। तो मतलब काफ़ी अच्छी रोम है, मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, एक दो दिन से इसका यूज़ भी किया है। लेकिन आपको इसको ऑरेंज बॉक्स रिकवरी या पिच ब्लैक या TWR रिकवरी से आपको इसको फ्लैश करना होगा। अब बात करते हैं इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसमें जो कंट्रोल सेंटर है, जो एकदम लेटेस्ट वाला आपको नया वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे MIUI 12 का आपको इसमें कंट्रोल सेंटर लेटेस्ट है जो देखने को मिल जाता है। उसके बाद मैं सेटिंग्स के अंदर चल के आपको दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको इसके वॉल्यूम अप्स वगैरह बटन से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप बटन्स वगैरह देख सकते हो, इसमें आपको जो स्टेबल बटन्स है उस तरह के आपको इसमें बटन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। पावर मेन्यू की बात करें तो पावर मेन्यू आपको इसमें इस तरह का देखने को मिलता है, जो कि एकदम स्टेबल का जैसे ही ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो बीटा रोम वगैरह आता है उसके जैसा इसमें फिलहाल देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में जैसे कि इसकी सेटिंग्स के अंदर चलेंगे, और यहाँ पे आपको इसमें नेटवर्क वगैरह वाईफाई वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छे से वर्किंग कर रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। लॉक स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पर डबल टैप टू वी स्क्रीन भी काम कर रहा है, और चार्जिंग एनिमेशन जैसे कि आप डिवाइस को लॉक करके लगाओगे चार्जिंग में तो चार्जिंग एनिमेशन इसमें शो करेगा। उसके बाद में पासवर्ड सिक्योरिटी की बात करें तो अच्छे से वर्क है, फेस अनलॉक वगैरह सब कुछ फास्ट है, कोई इसमें आपको दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिलती है। सेकंड स्पेस वगैरह सारे इसमें आपको काम करते हुए मिल जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट फीचर्स की इसमें बात करें, जैसे डिस्प्ले का ऑप्शन आता है तो डार्क मोड भी एकदम अच्छे से वर्क है, कोई दिक्कत नहीं, रीडिंग मोड वगैरह, और यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है। लेकिन गाइज मैं आपको बोलूंगा कि रिफ्रेश रेट का इसमें कुछ भी मतलब नहीं, वर्क वगैरह कुछ भी नहीं होता, ये ऐसे ही फीचर्स देते हैं रिफ्रेश रेट का, क्योंकि यार इसके लिए जो एमुलेट डिस्प्ले वगैरह होना चाहिए उस हिसाब से काम करते हैं। मेरे पास Xiaomi 11 आई है, उसमें मैं समझ सकता हूँ उसमें 60 Hz का है और 120 Hz का भी है, तो मैं यूज करता हूँ 60 Hz से 120 Hz पे, तो पता चलता है कि क्या है मतलब कि 120 Hz में, मतलब काफ़ी अच्छा मोबाइल स्मूथ गाइज चलता है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो आपको रिंगटोन अलार्म वगैरह का ये आपको इसमें इस तरह का आपको UI देखने को मिलेगा, और नीचे आपको साइलेंट मोड वगैरह ये आपको सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा, डू नॉट डिस्टर्ब मी, रिपीट कॉल का भी इसमें ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे। नीचे आपको वाइब्रेट जो आपको मीडियम लार्ज स्ट्रॉन्ग रखना है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो, और एडिशनल सेटिंग में आप जाओगे तो यहाँ पे सारे आपके जो भी साउंड वगैरह है उसके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि साउंड हो गया और डिलीटिंग आइटम्स वगैरह और अनइंस्टॉल ऐप्स वगैरह जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ इसमें आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में देख सकते हो नीचे जा क्या हो गया, आपको साउंड इफेक्ट्स का भी ऑप्शन है, जो कि आप अगर Xiaomi का एयरफोन्स वगैरह है आपके तो आप उसको यूज करके काफी सारा मतलब कस्टमाइजेशन आप इसमें कर पाओगे। और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर और इसकी मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको इसमें नोटिफिकेशन शेड का भी ऑप्शन है, अगर आपको MIUI का चाहिए या एंड्रॉइड का चाहिए जो भी आपको चाहिए वो कर सकते हो, और इसमें आपको इसमें इस तरह का कलर का UI भी आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कंट्रोल सेंटर की बात करूँ तो आपको ओल्ड और नया इसमें आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपको यूज करना है वो आप सिंपल से इसमें या क्या आप यूज वगैरह कर सकते हो। नीचे आपको स्टेटस बार की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे 100 स्पीड कनेक्शन मिल जाएगा, बैटरी इंडिकेटर में आपको इसमें सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ग्राफिकल्स भी इसमें आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद में होम स्क्रीन की बात करें तो आपको इसमें सिस्टम लॉन्चर डिफॉल्ट वाला देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो एकदम लेटेस्ट है। होम स्क्रीन में आपको क्लासिक और ऐप ड्रॉअर दोनों आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में बटन्स में आपको इसमें आप गैसेस भी यूज कर सकते हो, अगर आपको गैसेस पसंद है तो मैं गैसेस से यूज करता हूँ तो थोड़ा बेहतर कंफर्टेबल लगता है गैसेस में। और नीचे आपको आइकन साइज आप यहाँ पे देख पाओगे, इस तरह का आपको इसमें आइकन साइज भी देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में नीचे आपको ऑरेंज आइटम वगैरह रिसेंट आइटम के हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको चूज करना है, और सो मेमोरी स्टेटस का भी इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में और क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो मतलब स्टेबल रोम में तो काफ़ी अच्छी है, और इसमें बग्स क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वॉलपेपर्स के अंदर आप जैसे जाओगे यहाँ पे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर जो भी है MIUI के ये आपको देख सकते हो 13 के सारे इसमें 12.5 13 के भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो काफ़ी अच्छी है। थीम्स की बात करें तो दो ही मिलेगी आपको, लिमिटलेस और क्लासिक, दो थीम इसमें आपको प्रोवाइड की गई है। उसके बाद में पासवर्ड और एकदम सिक्योरिटी वर्क है, कोई दिक्कत नहीं। बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो बैटरी भी आपका नॉर्मल से एक मतलब कि यार चल जाएगा,
ठीक है, ठीक ठाक चल जाएगा। और यहाँ पे आपको देख सकते हो टेम्परेचर वगैरह डिवाइस का और चार्जिंग कितनी बार किया वो भी आप इसमें देख सकते हो। और यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग में आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे आपको डेट लैंग्वेज वगैरह ये सब कुछ आपको इसमें दिया गया है जो कि आप यहाँ पे इसमें सेट या चेंज कर सकते हो। एसेबिलिटी वगैरह हो गया, वन एंड मोड, ये बैटरी बैकअप का मतलब रिस्टोर वगैरह आप करना चाहो तो ये भी आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद में नीचे आपको डिजिटल वेलबीन का भी इसमें आपको ऑप्शन दिया गया गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा इसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपका डाटा पूरा शो कर सकते हो कितनी टाइम आपने डिवाइस को यूज़ किया है। स्पेशल फीचर्स की मैं बात करूँ तो गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, ये सारे आपको इसमें स्टेबल के जैसे मिलते हैं। जो MIUI 13 का है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। नीचे आपको मी अकाउंट वगैरह ये आपको देखने को मिल जाएगा। और एंड्रॉइड 11 का इसमें आपको गैजेट्स वगैरह देखने को मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे आपको प्रोटीन विंडो भी दिया गया है जो कि आप इसको यूज कर सकते हो, अच्छे से यूज कर सकते हो, कोई भी आप इसमें दिक्कत नहीं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो बीच के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी इसमें कैमरा की। तो कैमरे में आपको इसमें वाटरमार्क का बक्स देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको मैंने इसमें सेटिंग में जाके इसको बंद कर रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे जाओगे सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे वाटरमार्क को आप ऑन रखोगे तो फोटो जैसे क्लिक करोगे कैमरा क्लोज हो जाएगा। तो आपको डिवाइस में सबसे पहले जाके इसको बंद कर लेना वाटरमार्क को, उसके बाद में आप यहाँ पे कैमरा क्वालिटी फोटो वगैरह ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और इसमें आपको AI HDR का भी सपोर्ट देखने को मिलता है गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, और पोर्ट्रेट वगैरह सब कुछ वर्किंग है, कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि स्टेबल है तो एकदम अच्छे से वर्क करता है, कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं होती। जैसे कि आप यहाँ पे देखते तो क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रोम गाइस रिकवरी से आप इसको अपने डिवाइस रेडमी नोट 5 प्रो के अंदर फ्लैश कर सकते हो। गाइस वीडियो यहीं खत्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।